अस्सलामु अलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप वन की दो सेमीफाइनल टीमों का फैसला हो गया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल फोर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जनूबी अफ्रीका मैच जीत कर भी हार गया, इंग्लैंड को 10 रन से शिकस्त दे दी। 190 रन हदफ के ताकों में इंग्लैंड 8 विकेटों पर 189 रन ही बना सका। रबादा ने हैट्रिक की और इससे कबल खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। और T20 वर्ल्ड कप में चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज हो जाएगा। न्यूजीलैंड, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान फाइनल फोर में रसाई की जंग है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान आज का मैच सब कुछ वासी कर देगा। न्यूजीलैंड जीता तो सेमीफाइनल में जाएगा, शिकस्त की सूरत में मामला रन रेट पर आएगा। ग्रुप टू से मामला हल, ग्रुप वन में अब भी अगर मगर, कौन होगा चौथा सेमीफाइनलिस्ट? न्यूजीलैंड, भारत और अफगानिस्तान में सख्त मुकाबला। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान आज का मैच सब कुछ वाजे कर देगा। न्यूजीलैंड जीता तो सेमीफाइनल में आ जाएगा, शिकस्त की सूरत में मामला रन रेट पर आएगा। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की जीत दरकार है। पॉइंट टेबल पर न्यूजीलैंड दूसरे, भारत तीसरे और अफगानिस्तान की चौथी पोजिशन है। रन रेट में भारत की सबसे बेहतर पोजीशन है। भारत अपना आखिरी मैच नामीबिया से जीत गया और अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो भारत सेमीफाइनल में चला जाएगा। ग्रुप टू में पाकिस्तान टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान का पहला नंबर है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने अपने अगले शिकार की तैयारी मुकम्मल कर ली। ग्रुप के अपने पांचवें और आखिरी मैच में स्कॉटलैंड को निशाने पर रख लिया। पाकिस्तान ने ICC क्रिकेट अकेडमी दुबई में प्रैक्टिस करके तैयारी मुकम्मल की। हिकमत अमली भी तरतीब दे दी गई है। आज दोनों टीमें शारजा के मैदान में टकराएंगी। मोहम्मद हफीज कहते हैं टीम की नजरें टाइटल जीतने पर हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क में चीनी की कीमत ने खुशियों की मिठास में कड़वाहट घोल दी। कोयटा में चीनी की कीमत 160 रुपए की रिकॉर्ड सतह को छू गए। मुल्क के दीगर शहरों में भी चीनी 130 से लेकर 150 रुपए के निरखों पर फरोख की जा रही है। कराची में चीनी का होलसेल निर्ख 130 रुपए हो गया। महंगाई ने आवाम की जिंदगियों में कड़वाहट घोल दी। कोयटा में होलसेल मार्केट में चीनी 142 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी, जबकि रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। कोयटा में चार रोज के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 47 रुपए का इजाफा हुआ। हम इसके खिलाफ हैं जी, ये अच्छी बात तो नहीं है। महंगाई आवाम बदजन हो चुकी है इस हुक्मरान से। कराची की मकामी मार्केट में भी चीनी 145 रुपए से 150 रुपए के दरमियान फरोख्त की जा रही है। ताजी रहनुमा अब्दुल रऊफ का कहना है कि कराची में चीनी की कीमत में मामूली कमी हुई है, ताहम होलसेल में चीनी 130 रुपए किलो बिक रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम से मैं अपील करूंगा कि जो स्टे मिल मालिकान ने लिया हुआ है, जो मैंने वजीर आजम की तकरीर सुनी थी कि वो 140 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको चैलेंज कर रहे सुप्रीम कोर्ट में और जो प्राइस फिक्स किए थे उस पर अमल दरामद करवाए। उधर लाहौर में भी चीनी का ज्यादा से ज्यादा रेट 140 रिकॉर्ड किया गया। चीनी तो मार्केट में शॉर्ट हो चुकी है और जो मोटी चीनी है वो तो नायाब हो गई है। मुल्तान और दीगर शहरों में होलसेल मार्केट में बारीक चीनी का रेट 90 रुपए फी किलो है, ताहम होलसेल मार्केट में मोटी चीनी के रेट 125 से 130 रुपए फी किलो है। हैदराबाद में रिटेल में चीनी का 148 से 150 रुपए किलो तक का रेट। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी चीनी 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। पंजाब से 3 लाख किलो से जायद जखीरा की गई चीनी बरामद कर ली गई। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में 70,000 किलो घी भी पकड़ा गया। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नाजायज मुनाफे के लिए चीनी की नाजायज जखीरा अंदोजी, पंजाब हुकूमत का जिम्मेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। चिनियोट में जखीरा अंदोजों से 3 लाख किलो से ज्यादा चीनी बरामद। सरगुदा से 50 किलो चीनी की 500 बोरियां बरामद की गईं। कार्रवाइयों के दौरान 70,000 किलो घी भी तहवील में ले लिया गया। कई गोदाम और 4 स्टोर सरबमल कर दिए गए। नाजायज मुनाफाखोर चीनी माफिया पकड़े गए, जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर किलो ही बेची जाए, बसूरत दीगर दरामदी चीनी बेची जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोधा के मुताबिक शहर में चीनी का कोई बहरान नहीं। सरगोधा में चीनी 90 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है।
महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। घी, तेल, चीनी, चाय और दीगर अशिया के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। आवाम कहते हैं महंगाई से घर चलाना मुश्किल तर हो गया, खरीदारी की सकत खत्म होती जा रही है। दुकानदार कहते हैं उनका कारोबार 50% कम हो गया। महंगाई ने दिल पर चोट लगाई, आवाम देने लगे दुहाई। किचन का सामान जैसे सोने की दुकान बन गया, आम लोगों की पहुंच से कहीं दूर चला गया। घी, तेल, चीनी, चाय, दालें और चावल के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। आवाम कहते हैं कि दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल तर हो गया है। महंगाई का तो आपको हालत पता है, पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है, यहाँ पर सारी चीजें बढ़ जाती है। टोटल अशिया खरीद देते हैं, इंसान की पहुँच से दूर हो गई है। चीनी, आटा, दालें, हर चीज महंगी, तेल, घी सब महंगे हो गया सर। महंगाई से दुकानदार भी परेशान हैं, कहते हैं उनका कारोबार 50% कम हो गया है। कारोबार महंगाई की वजह से काफी फर्क आया है, रेट बहुत बढ़ चुके हैं, खरीदने की कुव्वत खत्म हो चुकी है। अच्छी तरीके से अपनी खरीदारी करते थे, आज वो सोचना पड़ रहा उनको हर चीज लेने में। मुल्क में महंगाई की लहर से जहां आवाम मुश्किलात से दो चार है, वहीं कारोबारी सरगर्मियां भी मांद पड़ रही हैं। कराची में सब्जियों की कीमत को भी पर लग गए। टमाटर की कीमत 240 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मटर भी 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। तोरी, भिंडी और दीगर सब्जियों की कीमतें भी आवाम के होश उड़ा रही हैं। कराची में सब्जियों की कीमत आसमान से बातें करने लगी। हांडी में जायका लाने वाला टमाटर गरीबों को आंखें दिखाने लगा। आवाम कीमत सुनकर ठंडी सांसें भरने पर मजबूर। टमाटर की कीमत 240 रुपए फी किलो को छूने लगी। इस टाइम सब्जियां सारी महंगी हो गई हैं। टमाटर महंगा हो गया, बाकी भिंडी महंगी हुई है, नींबू महंगा, सभी चीज महंगी है, सब्जी कोई सस्ती नहीं है। टमाटर 120 से डायरेक्ट 240 पे हो गया, 200-240 पे हो गया, 120 तीन दिन पहले के रेट हैं। मटर भी अमीरों की खुराक बनकर सामने आ गया, कीमत 400 रुपए किलो तक जा पहुंची। लेडी फिंगर कहलाने वाली सब्जी यानी भिंडी ने भी लेडीज को तारे दिखा दिए, कीमत 200 रुपए किलो हो गई। तोरी भी 120 रुपए किलो फरोख्त हो रही है और धनिया भी 20 रुपए गड्डी फरोख्त होकर आवाम को मुँह चढ़ा रहा है। पीडीएम ने हुकूमत को हटाने के लिए फिर दिसंबर में लॉन्ग मार्च पर गौर शुरू कर दिया। तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पहले महंगाई के खिलाफ बड़े शहरों में रैलियां होंगी, फिर लॉन्ग मार्च होगा। अब हुकूमत को घर भिजवा कर ही दम लेंगे। पुराना मिशन नया फैसला। पीडीएम एक बार फिर हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम वर्चुअल इजलास में फैसला हो गया। इजलास में फैसला किया गया कि 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पिशावर में महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर में 29 या 30 नवंबर को रैली की तजवीज़ दी गई। सेक्रेटरी जनरल पीडीएम शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक लाहौर रैली के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। ये तहरीक इस बार वजीर आजम को घर भेज कर ही खत्म होगी। शाहिद खाकान ने कहा कि पीडीएम ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, इंतखाबी इस्लाहात, ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग को बदनीयती करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान का कहना था कि हुकूमत साजिश को नाकाम बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली गई है। तमाम जमातों से मिलकर हिकमत अमली की तैयारी की जिम्मेदारी कायद हिजब इख्तलाफ शहबाज शरीफ को सौंप दी गई। सियासत में जगह बनानी है तो इजलासों की तारीखें नहीं बल्कि अपने लक्षण बदलें। वजीर इत्तला फवाद चौधरी ने पीडीएम पर तंज कर दिया। कहते हैं सियासी बेरोजगारों की अंजुमन फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान के लिए किसी अच्छे काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। फवाद चौधरी ने पीडीएम इजलास को बेरोजगारों की सियासी ऑक्सीजन के लिए लगाई गई बैठक करार दे दिया। बोले आवाम के दिलों का रास्ता साजिशों से नहीं अपने करतूतों से तौबा करके हमवार किया जा सकता है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि ऑपोजिशन चाहती है कि धांधली के रास्ते खुले रहें क्योंकि इसी में उनकी बका है। बोले पाकिस्तान हुकूमत इंतखाबी निज़ाम की तशहीर, मईशत की तामीर के एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।